तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप की रैम बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक पेन ड्राइव के साथ। जी हाँ, सिर्फ एक पेन ड्राइव के साथ। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपनी पेन ड्राइव लैपटॉप के साथ अटैच कर दी है, और ये जो USB ड्राइव F है, ये मेरी पेन ड्राइव ही है। तो करना कुछ ऐसे है, पहले माई कंप्यूटर ओपन करें। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद राइट क्लिक करें यहाँ ब्लैंक स्पेस पर, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करें। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स खुलेंगी, सिस्टम सेटिंग्स, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर जाएं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ एडवांस सेलेक्ट करें और परफॉर्मेंस के अंडर सेटिंग्स पर क्लिक करें। एक और पॉपअप मेन्यू खुलेगा जहाँ पर एडवांस होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। फिर ये वर्चुअल मेमोरी के अंडर चेंज के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बस अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है। जैसे कि देख सकते हैं, मेरी पेन ड्राइव जो ड्राइव बनी थी वो थी F, तो मैंने F सेलेक्ट की है। उसके बाद कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करें और इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज भर दें। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इनिशियल साइज 60 भरा है, आप भी 60 भरें, और मैक्सिमम साइज 4095 भरा है, तो आप भी यही भरें। उसके बाद सेट के ऊपर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद बस आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें, चाहे ना पढ़ें कोई चक्कर नहीं। उसके बाद परफॉर्मेंस के अंडर यहाँ ओके क्लिक करें, फिर यहाँ पर भी ओके पर, फिर बस अपना लैपटॉप कंप्यूटर जिस पर भी आप ये अपनी रैम बढ़ाना चाहते हैं उसे ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद जब ये ऑन होगा दोबारा लैपटॉप आपका, तो आप देख सकेंगे कि आपकी पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे जरूर दबाना कि जैसी मेरी अगली वीडियो आए तो आप सबको पता लग जाए कि मैंने नई वीडियो अपलोड की है। तो बस सब्सक्राइब करो उस चैनल को, चाहे कबड्डी खेलो, चाहे लात मारो, मुक्का मारो, बस चैनल सब्सक्राइब करो।